अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने चना पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए मैंने दो बड़े प्याज लिए, काट लिए हैं बारीक बारीक स्लाइसेस में। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, इसमें बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, और इसमें जो मसाले जाएंगे 2 टमाटर, हरी मिर्चें 10-15, हरा धनिया, अदरक स्लाइसेस करके, मतलब बिल्कुल बारीक काशी, और इसमें ये जाएगा, ये मैंने लहसुन और अदरक पीस के रखा है और इसमें हरी मिर्चें भी हैं। तकरीबन 1 किलो के लिए मैंने लिए 7 से 8 हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, ये इतना बन जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। और इसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, जो ऐसी होती हैं ऐसी वाली, 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने ली हैं, जिन्हें मैंने उस मसाले में डाल के साथ कूट लिया। और चने लिए हैं मैंने 250 ग्राम, जो कि मैंने उबाल लिए और देखें कैसे उबले हैं। ये देखें हल्के से सर, तो बिल्कुल नरम नहीं है। ये इस तरह से उबाल के आप छलनी में निकाल लेंगे। अब आए हम इसको तैयार करते हैं, कैसे बनेगा ये। चलाएं अब हम शुरू करते हैं अपना चना पुलाव बनाना। 1 किलो चना पुलाव के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 कप तेल। तेल ज़रा सही होता है इसमें, क्योंकि ये देग की तरह का बनेगा, बहुत अच्छी खुशबू निकलेगी। ये आप समझे आप देगी चना पुलाव बना रहे, इसलिए मैंने 1 कप तेल लिया। इसमें मैं प्याज डालूंगी, प्याज और ये जो मैंने गरम मसाले करके रखे हैं, सब मैं खट्टा डालूंगी। ये हल्का हल्का लाल हुआ, देखिए ये लाल होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें जो मिर्चों वाला मसाला हमने पीस के रखा है, जिसमें हमने 2 बड़ी इलायची भी डाली है, वो मसाला इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्चों वाला जो मसाला है, अब हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गया, फिर आप नहीं डालना है। उसके बाद आप देखिए टमाटर और ये सब काट के रखा है हमने, ये इसमें मसाले हैं सारे, ये डाल देंगे। तो
इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये टमाटर गर्म पक जाए, और साथ में ये चिकन पाउडर और जो हमने नमक रखा है ये भी डाल देंगे। चिकन पाउडर नमक मैंने लिया है 1.5 चम्मच जो चिकन पाउडर है और 1 चम्मच नमक है। टमाटर और ये जो चीजें हैं सारी इसमें और ये अब मैंने इसमें चने डाल दिए अपने सफेद, 1 किलो में 250 ग्राम चने लिए अपने। इस तरीके मैं इसको जरा भून लूंगी अच्छी तरह से, फिर मैं इसमें अपने चावल डालूंगी क्योंकि इसमें सब चने वगैरह तो तैयार है, भी कच्चा है नहीं जो हमें पकाना पड़े, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अब चावल डाल दूंगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ बस। अच्छा ये देखिए ये बुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें पानी डालूँ, ये इसमें 3 ग्लास पानी जाएगा मेरे, 3 ग्लास 1 किलो में मेरे 3 ग्लास बनते हैं, तो मैंने 3 ग्लास पानी डाला, 3 ग्लास में पानी डालूंगी इसमें और अपने चावल डाल दूंगी। ये देखो मैंने नमक इसमें बराबर का डाला हुआ है, मतलब मैंने नमक ऐसे डाला है कि ये चावलों में भी आ जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप चख लीजिएगा कि नमक कम हो तो आप जब बिल्कुल चावल पकने के लिए थोड़ा सा पानी रह जाता है जब नमक डाल सकते हैं उसमें। अब बस इसमें मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, पकते हैं ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये आ गया है दम पुलाव, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, डिश ऑफ करती हूँ, तो देखें कैसा है। इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसकी लुक भी बहुत अच्छा आता है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। ये देखिए ये बहुत मज़ेदार होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखें ये हमारे चने पुलाव का लुक है, ये देखें मज़ेदार और बहुत यमी बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए हमें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।